ने अर्जित किए थे, लगभग उसके आसपास ही। और यहाँ पर फिर से बड़ी कोशिश, एक बड़े हिट की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। और ये वहां पर बड़ी अपील होते हुए, रनआउट के लिए कुछ आपस में अंपायर से आपस में बातचीत करते हुए, और प्रताप भी वहां बैठ गए हैं। गेंद को फील्ड किया गया था और निश्चित तौर से यहाँ पर मुश्किलात के क्षण आते हुए कर्नाटका बुलडोजर के लिए। और तीसरे अंपायर की तरफ से क्या फैसला आता है, काफी नजदीकी मामला और निर्णय क्षेत्र रक्षण कर रही टीम के पक्ष में जा सकता है। हालांकि गोता खा करके डाइव करके उन्होंने बचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ पर तीसरे अंपायर को ये देखना हुई है उस टाइम पर बैट क्या हवा में था या फिर ग्राउंडेड था। मार्कस कुट्टो तीसरे अंपायर यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक वो पूरी तरीके से सुनिश्चित ना कर लें कि बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के बाहर है तब तक उन्हें ये नजदीकी नजर रखनी होगी। और फिलहाल यहां पर फैसला आया आउट के रूप में, कर्नाटका बुलडोजर्स के खिलाड़ी उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हरी लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर रेड लाइट के साथ बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ेगा। एक और झटका लगा कर्नाटका बुलडोजर्स को। एक सौ पैंतीस, छह विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर पारी का चल रहा है इस समय महेश।